सब्सक्राइब करिए श्री होमियो यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाकर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाइए। नमस्कार दोस्तों, शुरू में के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर आनंद। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय कोरोना वायरस या COVID-19 जो कि एक पूरी तरीके से पेंडेमिक बन चुका है, एक महामारी बन चुका है पूरे विश्व भर के लिए, और लाखों लोग इस बीमारी से सफर कर चुके हैं और कई हजारों लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं इस पेंडेमिक से, इस महामारी से। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि ये कोरोना वायरस कितना खतरनाक है आप सभी लोगों के लिए, और लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक वन स्टार्ट हुआ है और लोग जिस तरीके से घर के बाहर निकल रहे हैं वो कितना घातक हो सकता है आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे जाइए, वहां पर एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा दीजिए, टैप कर लीजिए, उसके बगल में बेल आइकॉन ऐसे भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके साथ साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो वीडियोज बना रहे हैं हम, ये आम पब्लिक के लिए, कम्युनिटी के लिए, हमारी जो जनता है भारत की उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना व्हाट्सएप के जरिए ताकि दूसरे लोग भी जागरूक बन सकें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो कोरोना वायरस के बारे में। आप सभी को पता होगा कि एक COVID-19 कोरोना वायरस एक SARS ग्रुप का एक वायरस है, कोरोनाविरिडी फैमिली का एक वायरस है, जो कि चाइना के वुहान शहर से स्टार्ट हुआ और इस समय पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड वाइड में ये एक महामारी, एक पेंडेमिक की तरह बाहर आया हुआ है। बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस पेंडेमिक के कारण, और इस समय अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इस समय टॉप 5 कंट्रीज में से है, यानी कि सबसे ज्यादा संक्रमण पाए जाने वाले देशों में 5वें नंबर पे आ चुका है। इसके आगे सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन और ब्राजील, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो इंडिया से आगे चल रही हैं। बट एक या दो दिनों में इंडिया चौथे नंबर पे आ जाएगा या तीसरे नंबर पे आ सकता है, जहां पे उसके आगे सिर्फ ब्राजील और अमेरिका बचेंगे। तो ये एक बहुत ही घबराने वाली बात है, ये एक बहुत ही डर वाली बात है, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में प्रेजेंट टाइम में करीबन करीबन 240,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, और अगर हम बात करें कि कितने लोग सही हो चुके हैं तो 1,30,000 के आसपास लोग सही हो चुके हैं। इसका मतलब जो ये रेशियो है ये ऑलमोस्ट 48-50% के आसपास है जो लोग सही हो चुके हैं, जो लोग रिकवर कर चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। बट अगर हम बात करें संक्रमण की, तो ये संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि अगर आप देखें इस टाइम, आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ करीबन आज 9 जून की वीडियो है ये, तो अगर हम देखें इस वीडियो के बारे में या इस समय जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बारे में, तो करीबन 10,000 केसेस पर डे निकल, यानी कि 10,000 संक्रमित रोज हो रहे हैं इस कोरोना वायरस से। अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करें तो एक महीने के अंदर करीबन करीबन 3-4 लाख लोग संक्रमित हो जाएंगे, और ये इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा, और 3-4 हजार लोगों को ट्रीटमेंट दे पाना, मेडिकल ट्रीटमेंट दे पाना, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि जिस तरीके से बढ़ रहा है, ये जून है, फिर जुलाई, अगस्त, इस तरह बढ़ता जाएगा। आप प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो हमारा जो कंट्री की जो कैपिटल सिटी है दिल्ली, वहाँ के सीएम ने एक आदेश जारी किया हुआ है कि दिल्ली के अलावा किसी भी अदर स्टेट के जो लोग हैं उनका ट्रीटमेंट नहीं होगा दिल्ली में। इस जो वीडियो है या जो मेरे कहने का मतलब, इसको पॉलिटिकल वे में मत लीजिए, आप एक नॉर्मल मेडिकल टर्म के हिसाब से सोचिए कि अगर अगर आप दिल्ली के बाहर के हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, तो अगर आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो क्या होगा। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर कोई ऐसा आदेश आ जाए जिससे जहाँ पर वो ट्रीटमेंट अलाउ कर दें कि अगर आप दिल्ली के बाहर के हैं और दिल्ली में आपको ट्रीटमेंट अलाउ हो गया है, फिर भी कितनी मुश्किल की बात है। कि मैं फॉर एग्जांपल बताऊंगा आपको, एक बहुत एक यूट्यूबर है गौरव तनैया, जिनका चैनल है फिट मसल टीवी और फ्लाइंग बीस्ट, मैं उनसे मिल चुका हूँ यूट्यूब फैन फेस्ट में लास्ट दो साल पहले 2018 में हम मिल चुके हैं उनसे। उनका एक वीडियो जो इसमें ट्रेंड कर रहा है उसमें आप देखेंगे तो उनकी फैमिली मेंबर एक हैं, उनकी वाइफ की सिस्टर कहना चाहिए, उनको कोविड पॉजिटिव आ गया था करीबन 15-20 दिन पहले, और वो दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली बेस बेसिकली वो दिल्ली में ही है, और वहां पर उनको हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था, और वो सबसे महंगे हॉस्पिटल जब वहां गए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा हॉस्पिटल का, जब वो सबसे महंगे हॉस्पिटल में गए तो वहां की जो चार्जेस थे वो 1,00,000 रुपए पर डे के चार्जेस थे।
वो एक हायर फैमिली से आते हैं, अकॉर्डिंग टू मेरे नजर में देखा जाए तो एक हायर मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों लोग पायलट हैं, कैप्टन हैं, बहुत सारी अर्निंग होती होगी उनकी, प्लस यूट्यूब पे भी चैनल है, बहुत सारी अर्निंग होती होगी उनकी, बट फिर भी उन्होंने 1 लाख रुपीज पर डे के लिए हामी नहीं भरी। 1 लाख रुपीज पर डे सिर्फ वही भर सकते हैं जो एक हायर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके यहाँ 1 लाख 2 लाख 5 लाख कोई मतलब नहीं रखता, सर जिंदगी का मतलब रखता है। बट मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख रुपए पर डे बहुत बड़ी कीमत हो जाती है। और दिल्ली में एम्स हो गया या जितने भी और हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर जो बेड की संख्या है वो पूरी तरीके से फुल हो चुकी है, बेड्स खत्म हो चुके हैं, नहीं है बेड। चाहे आप किसी भी तरीके का जुगाड़ लगा लीजिए, सोर्स लगा लीजिए, पैसा खर्च कर लीजिए, और पैसा खर्च करने पर भी आपको 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये व्यवस्था बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएगी। इवन आपने देखा होगा जो दिल्ली के सीएम, उन्होंने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है, मैसेज दिया है कि अगर आपको कोरोना वायरस का थोड़ा संक्रमण पॉजिटिव आ जा रहा है और थोड़े बहुत सिम्टम है तो आप घर पे रहकर अपना इलाज कर सकते हैं, सीवियरिटी होने पर ही हॉस्पिटल जाएं। तो मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा कि नॉर्मल अगर आप देखिए किसी को कोरोना पॉजिटिव आ गया और नॉर्मल उसकी ब्रीदिंग थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी बहुत खांसी आ रही है, फीवर आ रहा है, और अगर वो बंदा उस समय हॉस्पिटल नहीं जाएगा तो क्या जब वो सीवियर हो जाएगा, जब उसका ऑक्सीजन का सेचुरेशन है वो 90 से नीचे आ जाएगा, तब वो पेशेंट अगर हॉस्पिटल जाएगा तो उसको बचाना कितना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी देखिए इंडिया का जो डेथ रेट है वो 2 से 3% के बीच में है, यानी कि 2 से 3% ही ओनली की डेथ हो रही है, जान गंवा रहे हैं लोग। बट अगर हम 2 से 3% की अगर हम देखें ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ये संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अगर हम संक्रमण की बात करें, अगर 135 करोड़ जनसंख्या की हम बात करें तो उसमें से अगर हम 40%, 48%, 50% अगर हम संक्रमण हो रहे हैं तो पेशेंट की संख्या आप समझ सकते हैं 70 से 75 करोड़, 80 करोड़ लोगों के आसपास लोग संक्रमित होंगे। और अगर हम 80 करोड़ का अगर हम 2% या 3% में अगर हम निकाल दें कि कितने लोग की डेथ होगी, तो भी 1 से 2 करोड़ के बीच में 3 करोड़ तक भी जनसंख्या जा सकती है, और ये जो संख्या होगी वो बहुत ज्यादा बड़ी होगी, इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अनलॉक का समय अलग की बात है कि अब अनलॉक का समय है, इस समय आप बाहर निकल सकते हैं, घूम सकते हैं, मॉल वगैरह खुले हुए हैं, बट आप ये भी सोचिए कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, आप यंग हैं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी, आपने मेडिसिन भी खाई हुई है, बहुत सारे च्यवनप्राश खा रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन भी खा रहे हैं, और उसके बावजूद आप घर के बाहर निकल रहे हैं, संक्रमण लेके आ रहे हैं, आपको तो कुछ नहीं होगा, बट आपके जो घर में जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो किसी और बीमारी से ग्रसित हैं, चाहे वो बीपी है, थायराइड है, शुगर की प्रॉब्लम है, कोई भी अदर प्रॉब्लम जो कि एक बहुत समय से लंबे समय से मेडिसिन चली आ रही है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बात हो सकती है, क्योंकि ये कोविड के सिम्टम्स, कोविड का जो डिजीज़ है ये आपको कम होगा बट आपकी जो फैमिली मेंबर उनको ज़्यादा होगा। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान देना है। इसके साथ साथ जो आपको मैंने फोकस वाली बात बताई कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो सबको देना पॉसिबल नहीं हो रहा है, आप दिल्ली की बात करें, आप मुंबई की बात करें, गवर्नमेंट ने वहां की साफ साफ बोल दिया है कि अब आप घर पे रह के इसका इलाज कराइए। इससे आप समझ सकते हैं कि ट्रीटमेंट करना और ट्रीटमेंट देना दोनों ही पॉसिबल नहीं है, ना ही उतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, ना ही उतने ज़्यादा मेडिकल स्टाफ हैं, ना ही उतने ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, और ना ही इतनी जल्दी जल्दी पेशेंट रिकवर कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि पेशेंट 14 से 21 दिन के बीच में ही रिकवर कर रहा है। तो आपको यहाँ पर अपने को स्वस्थ रखने के लिए आप यहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिवेंटिव पर्पज एज वेल एज क्यूरेटिव पर्पज के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई भी जो ये वीडियो देख रहा हो कोरोना पॉजिटिव है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहली बात को आप अगर हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा है परमिशन आपको तो आप खुद से सेल्फ को आइसोलेट करिए, अपनी फैमिली से दूरी बना के रखिए, और जो आपको मेडिसिन दी जा रही है जैसे कि फीवर हो रहा है तो पैरास्टामोल दे रहे हैं, खांसी हो रही तो आपको कोई ना कोई कफ सिरप दे रहे हैं, ड्राई कफ और वेट कफ जो भी है उसके हिसाब से, बट इसके अलावा कोई और ट्रीटमेंट है नहीं, ना गवर्नमेंट के पास, ना मेडिकल WHO के पास, ना मेडिकल अथॉरिटीज़ के पास, तो यहाँ पर आप होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आर्सेनिक एल्बम हो गई, ब्रोनिया अल्बा हो गई, जेलसीमियम हो गई, इपिटोरियम हो गई, तो ये बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के हिसाब से। तो आप किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं, प्रिवेंटिव पर्पज़ के लिए आप आर्सेनिक एल्बम ले ही सकते हैं, बट मेनली मैं आपको बोलूँगा कि मेडिसिन से भी अच्छा होगा कि आप अपने आप को
प्रोटेक्ट करके रखें, सेफ्टी रखें। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं यही बताना चाहता था कि कोरोना वायरस का सच क्या है, कितना आगे बढ़ रहा है ये, कितना घातक हो सकता है हम सभी लोगों के लिए, और अगर आपको ये डर है कि मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं हो पाएगा तो आप होम्योपैथी की तरफ टर्न करिए। एलोपैथिक लेते रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो मेडिसिन दी जा रही है ठीक है, बट आप प्रिवेंटिव पर्पज एज वेल एज क्यूरेटिव पर्पज के लिए होम्योपैथिक का भी यूज करिए। होम्योपैथिक का बहुत अच्छे रोल है एमपी में, महाराष्ट्र में, यूपी में भी कई जगह, आगरा में, कानपुर में, बहुत सारे डॉक्टर्स ने होम्योपैथी से बहुत सारे पेशेंट को ठीक किया है। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर आनंद मिलता हूँ उसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।